हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैंकियोस्टोमा। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका फाइलम फाइलम कॉर्डेटा होता है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा होता है, ग्रुप एक्रेनेटा होता है, क्लास लैप्टोकार्डी होती है, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमेटी होती है और जीनस ब्रैंकियोस्टोमा होता है। फिर ब्रैंकियोस्टोमेटा की चार इंडियन स्पीशीज़ होती है, वो कौन कौन सी होती है? ब्रैंकियोस्टोमा एंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पेलाजिकम, ब्रैंकियोस्टोमा लेंसोलेटम, ब्रैंकियोस्टोमा कैरेबियम। फिर इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये सीलियरी फीडर होते हैं, मराइन होते हैं और ये जो सैंडी बॉटम होता है वहाँ पे बरीड रहते हैं और ये एक्टिवली स्विम कर सकते हैं। और इनके दूसरे नाम हैं, इनको ब्रैंकियोस्ट्रोमा को एम्फियोक्सिस और लैंसलेट बोलते हैं। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन ने पढ़ा था जो जितने भी कॉर्डेट्स होंगे उनमें कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो इनमें उन कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, तो ये जो ब्रैंकियोस्ट्रोमा होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और वो उसके लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है। और ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो इसकी एंटीरियर से एंड इसकी बॉडी के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अपन देखेंगे जो बाकी के जो कॉर्डेट होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो स्कल के नीचे ही प्रेजेंट होता है, बट ब्रैंकियोस्टोमा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होगा वो उसके ब्रैंकियोस्टोमा में हेड तो एब्सेंट होता है बट उसका जो एंटीरियर एंड है बॉडी का रोस्ट्रम उसके रोस्ट्रम के आगे तक प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, और पीछे भी ये पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसके जो दोनों एंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। तो एम्फियोक्सिस का मतलब क्या होता है, जिसके दोनों एंड्स शार्प हो, और लेंसलेट का मतलब क्या होता है, भाला। तो भाले भाला कैसा होता है, वो आगे पीछे से पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, तो वैसे ही ये जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसकी बॉडी क्या होती है, दोनों एंड से शार्प होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने की वजह से, इसलिए ब्रैंकियोस्टोमा को अपन एम्फियोक्सिस और लेंसलेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रैंकियोस्ट्रोमा की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ब्रैंकियोस्ट्रोमा की जो बॉडी होती है वो 3 से 7 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, पारदर्शी होता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है और जो दोनों एंड्स हैं वहाँ से पॉइंटेड होती है, इसकी वजह से इसको लेंसलेट या एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। और इसकी बॉडी का जो एंटीरियर एंड है वहाँ पे रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है और रोस्ट्रम के नीचे ओरल हुड प्रेजेंट होता है और उस ओरल हुड पे बकल सिराई प्रेजेंट होते हैं, वो अभी अपन डायग्राम में देखेंगे। फिर इसकी जो बॉडी होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ट्रंक होता है और एक टेल होता है। जो रोस्ट्रम जो इसका एंटीरियर एंड है वहाँ से लेके जो एट्रियोपोर है उसको अपन ट्रंक बोलते हैं और जो एट्रियोपोर से जो पोस्टीरियर एंड है इसकी बॉडी का उसको टेल बोलते हैं। फिर इसकी बॉडी में 3 अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, एक डॉर्सल फिन होता है, एक कॉडल फिन होता है और एक वेंट्रल फिन होता है। जो डॉर्सल फिन होगा वो उसकी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, वेंट्रल होगा वो उसकी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, और ये जो वेंट्रल फिन है वो एट्रियोपोर से लेके इसकी टेल तक प्रेजेंट होगा और जो कॉडल फिन है वो टेल में प्रेजेंट होगा। फिर ये जो डॉर्सल और जो वेंट्रल फिन है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उसको फिन रे बॉक्स बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, फिन को सपोर्ट करता है, और ये जो फिन रे बॉक्स स्ट्रक्चर है वो कॉडल फिन होता है वहाँ एब्सेंट होता है। फिर इसकी बॉडी में 3 अपर्चर होते हैं, एक तो माउथ होता है, एक एट्रियोपोर होता है और एक एनस होता है। माउथ इसकी बॉडी में एंटीरियो वेंट्रली प्रेजेंट होता है और जो ओरल हुड से सराउंडेड रहता है और उस ओरल हुड पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन टेंटिकल्स को बकल सिराई बोलते हैं। फिर ये जो एट्रियोपोर होता है ये इसका जो वेंट्रल फिन है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है, जहाँ से इस एट्रियोपोर से क्या होता है, इस एट्रियोपोर से एट्रियम की ओपनिंग होती है। फिर थर्ड जो अपर्चर है वो एनस है, और ये एनस कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कॉडल फिन होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। फिर ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मेटाप्लूरल फोल्ड्स बोलते हैं, और ये इसकी मिड लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। फोल्ड्स क्या करते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा को स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और ये ओरल रूट से एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने जो अभी पढ़ा उसको डायग्राम में देखते हैं। अपन ने क्या देखा, जो बॉडी है वो ट्रंक और टेल में डिवाइडेड रहती है, जो उसका ट्रंक होता है वो रोस्ट्रम से एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इसका जो एंटीरियर एंड होता है यहाँ पे रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, तो इसका जो ट्रंक होगा वो रोस्ट्रम से ये जो एट्रियोपोर है वहाँ तक होगा, और इसकी जो टेल होगी वो एट्रियोपोर से इसके पोस्टीरियर एंड तक होगी। फिर अपन ने देखा था इसकी बॉडी में 3 अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, एक तो ये डोर्सल फिन होता है, और ये कहाँ होता है, इसकी बॉडी में डोर्सली प्रेजेंट होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये डोर्सल फिन, और ये क्या है, डोर्सली प्रेजेंट है। फिर कॉडल फिन होता है, ये है कॉडल फिन, ये क्या होता है, ये जो डोर्सल और वेंट्रल फिन होता है उससे ब्रॉड होता है, ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है, चौड़ा है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टेल जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, कॉडल फिन इसकी टेल में प्रेजेंट होता है। फिर अपन ने तीसरा देखा था वेंट्रल फिन, ये रहा वेंट्रल फिन, तो ये वेंट्रल फिन अपन ने देखा था कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जैसा आप देख रहे हैं एट्रियोपोर से लेके इसके टेल तक प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रल फिन ये दिख रहा है, ये यहाँ एट्रियोपोर से लेके टेल तक प्रेजेंट होता है, तो ये वेंट्रल फिन है।
फिर जो डॉर्सल और वेंट्रल फिन होता है, वहाँ अपन ने क्या देखा था, उसके सपोर्ट के लिए फिन रे बॉक्स होते हैं, तो ये अपन देख रहे हैं डॉर्सल में प्रेजेंट होगा वो डॉर्सल फिन रे बॉक्स होगा, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, डॉर्सल फिन रे बॉक्स है, और कॉडल में एबसेंट होगा तो कॉडल में एबसेंट है, और ये जो वेंट्रल है यहाँ वेंट्रल में भी क्या होते हैं, फिन रे बॉक्स होते हैं, ये जो दिख रहे हैं वेंट्रल में ये क्या है, वेंट्रल फिन रे बॉक्स है। फिर अपन इसके बॉडी में तीन अपर्चर देखे थे, माउथ, एट्रियोपोर और एनस। माउथ यहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो ओरल हुड दिख रहा है ये क्या करता है, माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये जो ओरल हुड होता है इस पर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो दिख रहे हैं टेंटिकल्स, इन टेंटिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, सिराई बोलते हैं, और ये ओरल हुड पे प्रेजेंट है इसलिए इनको ओरल सिलाई या बकल सिराई बोलते हैं। और ये जो इसका माउथ प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एंटीरियो वेंट्रली प्रेजेंट होगा, और ये जो माउथ है वो ओरल हुड से सराउंडेड रहेगा। और फिर जो एट्रियोपोर है, ये जो आप देख रहे हैं ये एट्रियोपोर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो वेंट्रल फिन होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ से ये जो एट्रियम है उसकी ओपनिंग होती है। और फिर एनएस आप ये देख रहे हैं, ये एनएस प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये एनएस कहाँ है, कॉडल फिन के बेस पे है। फिर अपन ने देखे थे इसके बॉडी में मेटा प्लूरल फोल्ड्स होते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं ये क्या है, मेटा प्लूरल फोल्ड्स होते हैं, और ये इसकी मिड लेटरल साइड पे होते हैं, लेटरल साइड पे होते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये मेटा प्लूरल फोल्ड्स हैं, और ये कहाँ है, लेटरल साइड में है, मिड लेटरल साइड में, और ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे, और ये अपने देखा था यहाँ ओरल पार्ट से एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये मेटा प्लूरल फोल्ड ये यहाँ ओरल से एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा का स्केलेटन सिस्टम देखते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एब्सेंट होते हैं, उसमें सिर्फ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और जो एंडोस्केलेटन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन से बनता है। और ये जो एंडोस्केलेटन होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट होता है, फिन रे बॉक्स में प्रेजेंट होता है, गिल रोड्स में प्रेजेंट होता है, ओरल सेराई में प्रेजेंट होता है, एंडोस्टाइल में प्रेजेंट होता है, डोर्सल और वेंट्रल फिन में प्रेजेंट होता है। और ये जो एंडोस्केलेटन क्या होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। तो नोटोकॉर्ड देखते हैं अपन, नोटोकॉर्ड को कोडा डोर्सलिस भी बोलते हैं, और ये जो नोटोकॉर्ड है वो अपन ने देखा था कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट होती है, और इसकी बॉडी में एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, नर्व कोर्ड से तो ऊपर प्रेजेंट होती है और फारिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, मतलब ये नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जैसे नोटोकॉर्ड है और नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, और नोटोकॉर्ड के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड और फेरिंग्स के बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और ये नोटोकॉर्ड जिलेटिनस प्लेट की बनी हुई होती है, और जो क्या होती है, होमोजेनस होती है, और ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो नोटोकॉर्ड शीट से एनक्लोज होती है, जो नोटोकॉर्ड होती है उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको नोटोकॉर्ड शीट या फिर इलास्टिक इंटरना भी बोलते हैं। नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को सपोर्ट करती है और जो भी बेंडिंग मूवमेंट होते हैं बॉडी में उसमें हेल्प करती है। तो ये अपन ने देखा नोटोकॉर्ड। फिर गिल रोड्स, गिल रोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स की वॉल में प्रेजेंट होती है, ओरल सिराई पे प्रेजेंट होती है, ओरल हुड में प्रेजेंट होती है, जो एंडोस्टाइल होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है, और गिल फिलामेंट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है। तो इन सब में क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है, और ये जो एंडोस्केलेटन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। फिर फिन रे बॉक्स अपन ने देखा था डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन में प्रेजेंट होता है, जो डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन को सपोर्ट करता है। इसमें एक डिफरेंस क्या है, जो डॉर्सल फिन में फिन रे बॉक्स प्रेजेंट होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, और जो वेंट्रल फिन में फिन रे बॉक्स प्रेजेंट होता है वो डबल लेयर्ड होता है। नेक्स्ट इसकी बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी बॉडी वॉल में तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो आउटर मोस्ट होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, और उसके नीचे पैराइटल पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। इसका जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी बॉडी वॉल की, और वो कॉलमनार एपिथीलियम सेल से बनी हुई होती है, और जो एपिडर्मिस होगी वो सिंगल लेयर होगी और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें ग्लैंड सेल और सेंसिटिव सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जो एडल्ट होते हैं उसमें जो लार्वा होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पर जब वो अडल्ट बनता है तो वो सीलिया डिसअपियर हो जाते हैं और उसकी जगह क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है, और उसके नीचे एक क्यूटिस लेयर होती है। ये क्यूटिस लेयर क्या होती है, टफ होती है और कॉम्पैक्ट होती है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर क्यूटिस लेयर के नीचे सब क्यूटिस लेयर होती है, ये स्पंजी होगी और ये जिलेटिनस लेयर की बनी हुई होगी, इसलिए क्या होगी, स्पंजी होगी। और इसमें दो जो सब क्यूटिस लेयर है उसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एक ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने देखा एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, न्यूक्लेटेड होती है, सिंगल लेयर होती है, इसमें ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अडल्ट में इसमें सीलिया की जगह क्यूटिकल की लेयर होती है। फिर एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे क्यूटिस लेयर होती है जो कि टफ और कॉम्पैक्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर सब क्यूटिस लेयर होती है जिसमें नर्व सेल और ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर एपिडर्मिस के नीचे मस्कुलर लेयर होती है, जो
एम्फीऑक्सिस होता है उसकी बॉडी में क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, हालांकि उसकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती बट उसकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि इसकी बॉडी क्या है, मेटामेरिक सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं और डिवाइडेड हैं, बट उसकी बॉडी में एल शेप के मसल्स के ब्लॉक्स मिलते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, मायोटोम्स बोलते हैं या फिर मायोमियर्स बोलते हैं, मायोटोम बोल दो या मायोमियर बोल दो। और ये क्या करते हैं, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और ये जो मसल हैं ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, उन उसकी वजह से क्या होता है, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और जो एम्फीऑक्सिस में जो एंडवेलेटिंग मूवमेंट होता है, इनकी जैसे टर्न करना है इनकी बॉडी को, जैसे आगे से पीछे टर्न करना है, तो उस मूवमेंट में भी ये जो मायोटॉम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। फिर इसकी बॉडी में मायोटॉम्स के अलावा एक ट्रांसवर्स मसल भी प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रांसवर्स मसल क्या करते हैं, इनकी जो एट्रियल कैविटी होती है उसमें से ये जो भी पानी होता है उसको बाहर ड्राइव करते हैं। फिर मसल लेयर के नीचे पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, ये पेरिटोनियम इसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स में पेरिटोनियम एब्सेंट होगा। तो ये अपन ने देखी इसके बॉडी वॉल। फिर इसके मायोटोम और गोनाड्स की बात करते हैं। मायोटोम अपन ने देखा है क्या होते हैं, मसल प्रेजेंट होते हैं जो इसकी बॉडी में, उन मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो वो उस कॉन्ट्रेक्शन से स्विमिंग में हेल्प करते हैं, एंडवेलेटिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये जो मायोटोम होते हैं, मायोटोम के नीचे दोनों तरफ गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गोनाड्स माउथ से लेके एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होते हैं, वो अभी अपन डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट ये अपन देखते हैं इनका बॉडी वॉल का डायग्राम देखते हैं। इनकी बॉडी में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन ने क्या बोला है, एपिडर्मिस बोला है, और ये जो एपिडर्मिस होती है इनकी वन लेयर्ड होती है, और कॉलुमिनार ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, कॉलुमिनार एपिथीलियम सेल से बनी हुई होती है, और इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। फिर उसके नीचे क्या होती है, ये क्यूटिस लेयर होती है जो कि दिख रही है, इसमें क्या है, ये फाइबर्स प्रेजेंट है, ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर क्यूटिस लेयर के नीचे ये सब क्यूटिस लेयर होती है, इस सब क्यूटिस लेयर में अपन ने देखा था दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक तो नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं, ये देख रहे हैं ये नर्व सेल, और एक ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर इनकी मसल लेयर देखते हैं, इनकी बॉडी में 60 से 62 तक मसल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन ने क्या बोला है, मायोटॉम या मायोमियर्स बोले हैं। ये जो दिख रहे हैं ये एल शेप के, ये क्या है, मायोमियर या मायोटॉम्स हैं। इनकी वजह से इनकी बॉडी ऐसे लगती है कि सेगमेंटेड है, बट ये एक्चुअली में सेगमेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ मायोटॉम्स की वजह से लगता है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है। और ये मायोटॉम्स अपन ने देखा था इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसकी वजह से ये अनडेवेलेटिंग और स्विमिंग में हेल्प करते हैं, जो भी अनडेवेलेटिंग मूवमेंट होता है और जो स्विमिंग होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। फिर अपन ये देखते हैं कि ये जो मायोटॉम्स होते हैं इनके नीचे क्या होते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये अपन राइट साइड देख रहे हैं तो ये राइट साइड प्रेजेंट है, और इसके ऐसे ही सेम लेफ्ट साइड में भी क्या होते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मायोमियर्स हैं, ये जो अपन को दिख रहे हैं मायोटोमिया, ये जो मायोमियर्स हैं इनके दोनों तरफ क्या, इनके नीचे दोनों तरफ क्या होते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे आपको दिख रहे हैं ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं, ये दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। और ये जो गोनाड्स होते हैं वो यहाँ से लेके एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके माउथ से एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखते हैं। इसका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। इसके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा, और कॉर्पसल भी होंगे वो भी एब्सेंट होंगे, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा, कॉर्पसल्स नहीं होंगे, ब्लड कलरलेस होगा। तो इसके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता, तो ब्लड का फंक्शन क्या होगा, ये जो भी फूड और एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होता है। इसके ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हार्ट एब्सेंट होगा, पेरिकार्डियल कैविटी भी एब्सेंट होगी, और क्या प्रेजेंट होगा, साइनस वेनोसिस प्रेजेंट होगा जो ब्लड को कलेक्ट करता है। फिर इसके जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में जो आर्टरीज और वेन्स होंगी वो सिमिलर होंगी, और जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो क्या होंगी, मस्कुलर होंगे। हार्ट यहाँ पे एब्सेंट है तो हार्ट का काम यहाँ कौन करेगा, आर्टरीज और वेन्स करेंगी जो कि मस्कुलर होती हैं और पल्सेटाइल होती हैं, जो ब्लड को पम्प करती हैं। फिर इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो देखते हैं कि इसकी जो एम्फीऑक्सिस होता है उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ये जो साइनस वेनोसिस है ये क्या करेगा, ब्लड को कलेक्ट करेगा, फिर ये जो ब्लड इसने कलेक्ट किया है वो वेंट्रल अओर्टा को दे देगा, फिर ये जो वेंट्रल अओर्टा होती है वो फेरिंग्स में एंटर करती है, तो जो भी आर्टरीज या वेन्स किसी भी ऑर्गन में एंटर करती है वो कौन सी होती है, एफरेंट होती है, तो फेरिंग्स में एंटर करेगी वो कौन सी होगी, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल होगी। और यहाँ पे बल्बुलस प्रेजेंट होता है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। फिर ये फेरिंग्स में एंटर होकर प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स को ब्लड सप्लाई करेगी, दो ब्रांच में ये बाइफर्केट हो जाएगी, प्राइमरी ब्रैंकियल गिल बार ब्रैंकियल वेसल और सेकेंडरी गिल बार ब्रैंकियल वेसल में, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार को ब्लड सप्लाई करेगा। फिर यहाँ पे फेरिंग्स में जो गिल बार्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड का,
और फिर जो फेरिंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेसल लेके निकलेगी बाहर ऑर्गन से, वो कौन सी होती है? एफरेंट होती है। तो यहाँ फेरिंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर लेके निकलेगी वो है एफरेंट ब्रैंकियल वेसल। फिर ये जो ब्रैंकियल वेसल है वो अपना ब्लड किसे दे देगी? लेटरल डोर्सल आउटा को दे देगी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई वो लेटरल डोर्सल आउटा को दे देगी। फिर ये जो लेटरल डोर्सल आउटा है इसमें से एक ब्रांच निकलती है जो कि एंटीरियर बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? जो इसका एंटीरियर एंड होता है वहाँ पे रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। फिर ये जो लेटरल डोर्सल आउटा होती है ये क्या होती है? इसकी दो ब्रांच होती है, लेटरल डोर्सल आउटा की दो ब्रांच होती है। फिर ये क्या हो जाती है? दोनों ब्रांच मर्ज हो जाती हैं। फिर आगे चल के ये ब्लड किसको सप्लाई करेगी? मीडियन डोर्सल आउटा को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर ये जो मीडियन डोर्सल आउटा है इसमें से चार आर्टरीज निकलेगी। एक तो कार्डिनल आर्टरी निकलेगी जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? जो वेंट्रल और जो लेटरल वॉल है इसकी बॉडी की उसको ये कार्डिनल आर्टरी जो कि कहाँ से निकली है? मीडियन डोर्सल आउटा से निकली है कार्डिनल आर्टरी, वो इसकी वेंट्रल और लेटरल बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर एक कॉडल आर्टरी निकलेगी मीडियन डोर्सल आउटा से जो किसको सप्लाई करेगी? इसकी टेल को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इंटेस्टाइनल आर्टरी निकलेगी जो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर एक पैराइटल आर्टरी निकलेगी जो इसकी जो डोर्सल बॉडी वॉल है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। ये जो मीडियन डोर्सल आउटा से आर्टरी निकली उस कार्डिनल आर्टरी निकली और वो कार्डिनल आर्टरी ने जो बॉडी वॉल की वेंट्रल और लेटरल साइड है वहाँ पे ब्लड सप्लाई किया। अब ये जो वेंट्रल लेटरल साइड है बॉडी वॉल की वहाँ पे कार्डिनल आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया, तो अब वहाँ से ब्लड कलेक्ट कौन करेगी? कार्डिनल वेन कलेक्ट करेगी। तो ये कार्डिनल वेन क्या करेगी? वहाँ से ब्लड कलेक्ट कर लेगी। और ये जो फिर ये कॉमन कार्डिनल वेन निकलेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं? डक्टस क्यूवेराई बोलते हैं। और ये डक्टस क्यूवेराई ब्लड कलेक्ट करके किसको दे देगी? साइनस वेनोसस को दे देगी। फिर अपन ने देखा मीडियन डोर्सल आउटा से दूसरी जो आर्टरी निकली वो कौन सी आर्टरी निकली थी? कॉर्डल आर्टरी निकली थी जो टेल को ब्लड सप्लाई कर रही थी। फिर ये जो कॉर्डल आर्टरी ब्लड सप्लाई करने के बाद में टेल से कॉर्डल वेन निकलेगी जो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। और ये कॉर्डल जो वेन है वो डायरेक्ट साइनस वेनोसस को ब्लड ड्रेन नहीं करेगी, जबकि ये कॉर्डल वेन किसको ब्लड दे देगी? सब इंटेस्टाइनल वेन को अपना ब्लड दे देगी। और ये सब इंटेस्टाइनल वेन फर्दर क्या होती है? साइनस वेनोसस में अपना ब्लड ड्रेन करती है। तो अपन ने देखा कॉर्डल आर्टरी टेल को ब्लड सप्लाई किया उसने, फिर जो कॉर्डल वेन है उसने वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया और सब इंटेस्टाइनल वेन को दे दिया। फिर थर्ड जो आर्टरी निकली मीडियन डोर्सल आउटा से वो अपन ने देखी थी इंटेस्टाइनल आर्टरी निकली। फिर क्या होता है? वो इंटेस्टाइनल प्लेक्सस को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर वहाँ इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी वो कौन सी होगी? सब इंटेस्टाइनल वेन होगी जो इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लेगी। फिर अपन ये मिड गट डाइवर्टिकुलम होता है ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे ये स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर क्या होता है? ये हिपैटिक पोर्टल वेन में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ये हिपैटिक पोर्टल वेन है ये कॉर्डेट में सबसे पहले यहाँ एम्फीऑक्सिस में ही देखा जाता है। फिर फर्दर जो सबसे पहले जो हिपैटिक पोर्टल वेन दिखी है वो कहाँ दिखी है? यहाँ पे एम्फीऑक्सिस में दिखी है। फिर फर्दर कॉर्डेट में क्या होता है? ये ज़्यादा डेवलप नहीं होती, फर्दर जो डेवलप्ड होती हैं वो फिर इसी से क्या होते हैं? आगे फर्दर डेवलप्ड होती हैं। और ये हिपैटिक पोर्टल वेन फर्दर फिर किसको ब्लड दे देगी? हिपैटिक वेन को दे देगी। और ये हिपैटिक वेन फिर साइनस वेनोसस में ब्लड को ड्रेन कर देगा। तो अपन ने देखा था इंटेस्टाइनल आर्टरी से इंटेस्टाइनल प्लेक्सस को ब्लड जाएगा, फिर यहाँ से सब इंटेस्टाइनल वेन ब्लड कलेक्ट करेगी, फिर वो हिपैटिक पोर्टल वेन में जाएगा, फिर वहाँ से हिपैटिक वेन में जाएगा और फाइनली साइनस वेनोसस में ड्रेन कर देगा। फिर अपन ने देखा था जो चौथी आर्टरी निकली थी मीडियन डोर्सल आओटा से वो पैराइटल आर्टरी थी और ये जो बॉडी वॉल का डोर्सल पार्ट है वहाँ ब्लड सप्लाई कर रही थी। फिर वहाँ ब्लड सप्लाई करने के बाद में जो डोर्सल बॉडी वॉल है वहाँ से पैराइटल वेन निकलेगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और ये पैराइटल वेन क्या करेगी? साइनस वेनोसस को ब्लड ड्रेन कर देगी। तो चारों मीडियन डोर्सल आओटा ने जिन जिन जिनको आर्टरी से ब्लड सप्लाई किया था वहीं से उन्हीं ऑर्गन से वेन्स निकलेगी जो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साइनस वेनोसस में ड्रेन कर देगी। फिर ये साइनस वेनोसस किसको दे देगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल अओर्टा को दे देगा। और ये वेंट्रल अओर्टा फर्दर फेरिंग्स में एफरेंट ब्रैंकियल वेसल की हेल्प से फेरिंग्स में ब्लड लेके जाएगा। फिर वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल की हेल्प से लेटरल डोर्सल अओर्टा में जाएगा। और लेटरल डोर्सल अओर्टा दो होती हैं जो फर्दर आगे जाके मर्ज हो जाती हैं और फिर ये मीडियन डोर्सल अओर्टा को ब्लड सप्लाई करता है। तो ऐसे ये इसका ब्लड सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। इसमें जो किडनी होती है वो एब्सेंट होती है और इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। और यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किडनी होती है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है उनका, बट यहाँ पे जो प्रोटोनेफ्रिडिया है इनका क्या होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो ये कॉर्डेट्स में जितने भी अपन आगे देखेंगे कि जितने जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी और ये सब क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इनका, बट ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इनका। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये एनिलीड्स फ्लैट वॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जो एम्फियोक्सिस होता है ये एनेलिड्स प्लेटफॉर्म्स के पैरेलल इवोल्यूशन शो करता है। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, जो गिल स्लिट्स होती हैं उनके दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, और प्रोटोनेफ्रिडिया में सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन सोलेनोसाइट्स में क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, फ्लैजला प्रेजेंट होता है, और ये फ्लैजला के मूवमेंट से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर एलिमिनेट हो जाता है। फिर इसमें दो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती हैं, दो लिम्ब होती है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती हैं वो किसमें ओपन होती हैं, सेकेंडरी गिल बार सिलोमिक कैनाल में ओपन होती हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है ये सेकेंडरी गिल बार सिलोमिक कैनाल में ओपन होती है, जो कि क्या होती है, फर्दर आगे ओपन होती है नेफ्रिडियोपोर में। और ये नेफ्रिडियोपोर फिर कहाँ खुलता है, एट्रियम में खुलता है, और ये एट्रियम बाहर कहाँ खुलता है, एट्रियोपोर में। तो अपन देखेंगे जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो ये फेरिंग्स में क्या होते हैं, जो गिल स्लिट्स होते हैं उनके दोनों तरफ प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, उन प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या होते हैं, सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और सोलेनोसाइट्स क्या होते हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होगा, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लेम सेल्स में क्या होता है, फ्लैजला होता है। तो फ्लैजला का जैसे जैसे मूवमेंट होगा तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लिम्ब में जब जाएगा तो वहाँ पर सेकेंडरी गिल बार सिलोमिक कैनाल होती है, वहाँ जाएगा, और वो जो सिलोमिक कैनाल होती है यहाँ पर ये सेकेंडरी गिल बार वाली, वो क्या होती है, फर्दर आगे नेफ्रिडियोपोर में ओपन होती है। नेफ्रिडियोपोर में ओपन होती है तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रिडियोपोर में चला जाएगा। नेफ्रिडियोपोर से वो कहाँ ओपन होती है, सिलोमिक कैनाल, एट्रियम में ओपन होती है। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रिडियोपोर से होता हुआ एट्रियम में चला जाएगा। फिर एट्रियम में अपन ने देखा था, एट्रियम बाहर एक अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन होता है, जिसको अपन ने एट्रियोपोर बोला था। तो ये जो जब एट्रियम में वेस्ट मटेरियल आ गया तो वो फिर बाहर एट्रियोपोर से बाहर इसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल लिम्ब होती है प्राइमरी गिल बार सिलोमिक कैनाल में खुलती है, जो आगे से क्या होती है, बंद होती है। तो जो एक्सक्रीशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, हॉरिजॉन्टल लिम्ब से होगा, क्योंकि उसमें नेफ्रिडियोपोर प्रेजेंट होता है जो एट्रियम में खुलते हैं, तो वेस्ट मटेरियल एट्रियम में जाके फिर एट्रियोपोर से बाहर निकल जाएगा। फिर इसमें दूसरा जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो हेड चेक नेफ्रिडिया होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ओरल हुड प्रेजेंट होता है माउथ के ऊपर, वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, हेड चेक नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट होते हैं ब्राउन्स फनल होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। और फिर होते हैं रेनल पैपिला, ये रेनल पैपिला कहाँ प्रेजेंट होता है, गट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो टेस्टिस होती है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। टेस्टिस में क्या होता है, येलो मास होता है, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये येलो मास स्पर्म के साथ क्या हो जाता है, इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और येलो मास में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये ऐसे स्पर्म के साथ क्या करता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट एम्फियोक्सिस का नर्वस सिस्टम देखते हैं। इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ने देखा था क्या होता है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, होलो होती है और डॉर्सल होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, वो नोटोकॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होती है और फैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये जो नर्व कोड होती है इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या होता है, सेरेब्रल वेसिकल होता है, और उसको वेंट्रिकल भी बोलते हैं और उसको ब्रेन भी मानते हैं। और ये जो सेरेब्रल वेसिकल है वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है जिसको क्या बोलते हैं, डोर्सल डाइवर्टिकुलम। और ये जो सेरेब्रल वेसिकल होता है उसमें क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। और ये जो सेरेब्रल वेसिकल है वो एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है जिसको डॉर्सल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। और ये फर्दर किस में एक्सटेंड होता है, सेंट्रल कैनाल में एक्सटेंड होता है। और ये जो है डॉर्सल डाइवर्टिकुलम, ये सेरेब्रल वेसिकल है, ये क्या करता है, यहाँ पे पिगमेंट स्पॉट और इनफेंडिबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, गाइन नर्व सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये अभी अपन डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अपन को ये याद रखना है, इसके नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है। वो अपन को पता है नर्व कोड कहाँ प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होती है और फैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। और इनकी जो नर्व कोड होती है वो क्या होती है, होलो और डॉर्सल होती है। और इनकी जो नर्व कोड होती है उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल वेसिकल बोलते हैं, जहाँ जो वहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फील्ड होता है। और वो एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है जिसको डोर्सल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, जो फर्दर किसमें एक्सटेंड होते हैं, सेंट्रल कैनाल में एक्सटेंड करता है। और इसमें पिगमेंट स्पॉट और इनफेंडिबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और गाइन नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसमें पेयर नर्व्स अराइज होती है नर्व कोर्ट से, दो तरह की नर्व्स अराइज होती है, एक तो सेरेब्रल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। और यहाँ पे ये जो सेरेब्रल नर्व्स होती है वो सिर्फ सेंसरी होती है। और सेंसरी क्यों होती है, दो रूट होती है जैसे अपन ने देखा था, एक तो क्या होती है, वेंट्रल रूट होता है और एक डोर्सल रूट होता है। जो डोर्सल रूट होता है वो क्या करता है कि जो भी कोई ऑर्गन है वो, ये मान लीजिए जैसे ये ऑर्गन है, और यहाँ पे ब्रेन किसको माना है, सेरेब्रल वेसिकल को ब्रेन माना है। तो कुछ जो भी सेंसेशन है या जो भी इम्पल्स है, ये जो डोर्सल रूट होगी वो क्या करेगी, इस ऑर्गन से ये जो ब्रेन है इसको ब्लड सप्लाई, इनको सॉरी नर्व सप्लाई करेगी। और जो वेंट्रल रूट होता है वो क्या करता है, यहाँ ब्रेन से वापस ऑर्गन को क्या करेगा, जो इम्पल्स है, जो नर्व है, वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा।
ये जो सेरेब्रल नर्व्स होती हैं वो सिर्फ सेंसरी होती हैं, सेंसरी होती है मतलब इस ऑर्गन से ब्रेन तक जो नर्व्स जाएंगी, बट वहाँ से फर्दर क्या होंगी, मोटर नर्व्स वापस ब्रेन से ऑर्गन को नर्व सप्लाई नहीं होगी। तो ये क्या होती है, सेंसरी होती है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रल रूट एब्सेंट होता है। वेंट्रल रूट बोले तो मोटर नर्व्स एब्सेंट होती है जो ब्रेन से ऑर्गन को नर्व इम्पल्स सप्लाई करेगी। फिर ये जो स्पाइनल नर्व होती है सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है, क्योंकि यहाँ पे डोर्सल और वेंट्रल रूट दोनों प्रेजेंट होता है। फिर इसमें जो थर्ड होता है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, और ये क्या करता है, गट वॉल में नर्व प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करते हैं, जो गट की इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इसके सेंसरी ऑर्गन देखते हैं। इसमें बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। फर्स्ट होता है पिगमेंट स्पॉट, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रल वेसिकल पर प्रेजेंट होते हैं। अभी अपन ने देखा था जो नोटोकॉर्ड होते हैं उसका जो एंटीरियर पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल वेसिकल बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं। फिर आइट स्पॉट या ऑसिलाई भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। फिर कॉलिकल स्पिट होते हैं, ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेरेब्रल वेसिकल पर प्रेजेंट होंगे। और ये क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये जो लार्वल स्टेज में न्यूरोपोर होते हैं उसके रिमेनिंग्स होते हैं, ये उससे न्यूरोपोर से ही कॉलिकल स्पिट का फॉर्मेशन होता है। फिर सेंसरी पैपिले होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कैमो रिसेप्टर के साथ साथ ये टैक्टाइल रिसेप्टर भी है। फिर इन्फेंटिबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अभी अपन ने देखा था सेरेब्रल वेसिकल पर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं। और इनमें सेरेब्रल वेसिकल में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फील्ड होता है उसमें उसके प्रेशर में अगर कुछ भी चेंज होता है तो ये इन्फेंडिबुलर ऑर्गन क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये जो कॉर्डेट्स में इन्फेंडिबुलर प्रेजेंट होता है उसके जैसा होता है ये इन्फेंडिबुलर ऑर्गन। तो ये देखे अपन ने इसके सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो सीलिएटेड एपिथीलियम से लाइंड होती है, और इसके एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ प्रेजेंट होता है। और ये माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो रोस्ट्रम अपन ने देखा था इसके एंटीरियर एंड पे, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। और इसके ऊपर क्या होता है, ओरल हुड से ये अनसर्कल्ड होता है, ओरल हुड से ये बॉर्डर होता है। और ओरल हुड पे क्या होते हैं, बकल सेराई या ओरल सेराई होते हैं। और ये जो ओरल हुड होता है वो जो ट्रंक का लेटरल प्रोजेक्शन है, उस ट्रंक के लेटरल प्रोजेक्शन से ओरल हुड का फॉर्मेशन होता है। और ये ओरल हुड कहाँ होता है, माउथ के ऊपर, माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, रोस्ट्रम जो एंटीरियर एंड है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। फिर ये जो बकल सिराई या ओरल सिराई होंगे ये 10 से 11 पेयर में होते हैं। ये ओरल सिराई क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो ओरल हुड पे प्रेजेंट होते हैं। उनको ही ओरल हुड पे जो टेंटिकल है उन्हीं को ओरल सिराई या बकल सिराई बोला है। और ये 10 to 11 पेयर्ड होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, और इनपे सेंसरी पेपिले प्रेजेंट होते हैं। और ये बकल सिराई या ओरल सिराई का फंक्शन क्या होता है, ये जो पानी वाटर करंट के साथ जो फूड के लार्ज पार्टिकल हो रहे हैं उनकी एंट्री को कंट्रोल करता है, उनको वेस्टिब्यूल में जाने से ये रोकता है। फिर माउथ किस में ओपन होता है, बकल कैविटी में, या बकल कैविटी को वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, उसमें ओपन होता है। और ये जो बकल कैविटी होती है वो एंडोडर्मल से लाइंड होती है, इसलिए इसको स्ट्रोमेडियम भी बोलते हैं, स्ट्रोमोडियम भी बोलते हैं। फिर बकल कैविटी में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको वेल ऑर्गन या मुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये वेस्टिब्यूल में एक ऑर्गन होता है जिसमें 6 to 8 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें एक सिलेटेड ग्रूव होती है। और ये वेल ऑर्गन क्या करता है, रिंगलिंग मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से जो वाटर करंट क्रिएट होता है और वाटर इसकी बॉडी में एंटर करता है। फिर इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वेलम। ये वेलम कहाँ प्रेजेंट होता है, जो वेस्टिब्यूल होता है उसके पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला गया है, एंटरोस्टोम बोला गया है। और ये जो वेलम होता है इस पर स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, और 11 से 12 वेलर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वेलम क्या काम करता है, जो भी खाना और पानी आ रहा है उसको फिल्टर करता है। फिर ये वेस्टिब्यूल किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स इसका क्या होता है, लार्ज होता है और एट्रियल कैविटी में सस्पेंडेड होता है। फिर इसके फेरिंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंजियल गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, एपिफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होगा और एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगा। इसका जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, गिल लैमेली प्रेजेंट होती है। और ये गिल लैमेली क्या होती है, जो फेरिंग्स की वॉल है, दो गिल क्लेफ्ट्स के बीच में जो वॉल है उसको क्या बोला गया है, गिल लैमेली। गिल लैमेली क्या है, अभी अपन डायग्राम में पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। गिल लैमेली क्या होता है, फेरिंग्स की जो वॉल होती है दो गिल क्लेफ्ट्स के बीच में, उसको ही क्या बोला है, गिल लैमेली बोला है। और इसमें दो गिल बार्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्राइमरी गिल बार प्रेजेंट होता है और एक सेकेंडरी गिल बार प्रेजेंट होता है। जो प्राइमरी गिल बार होते हैं वो क्या होते हैं, बाइफर्केटेड होते हैं। और ये जो प्राइमरी गिल बार होते हैं वो एक दूसरे से सिनेप्टिकुला की हेल्प से अटैच होते हैं, या सिनेप्टिकुला की हेल्प से ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं प्राइमरी गिल बार्स। और ये जो सेकेंडरी गिल बार्स होते हैं ये बाइफर्केटेड नहीं होते। और ये जो गिल बार्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गिल रोड्स
प्रेजेंट होती है। फिर फेरिंग्स में एपीफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, ये क्या होती है, एक सीलिएटर ट्रैक होता है जो कि मिड डोर्सली प्रेजेंट होता है, और ये किस में ओपन होता है, ईसोफेगस में ओपन होता है। फिर एंडोस्टाइल होता है, ये एंडोस्टाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और ये एक मिड वेंट्रल ग्रूव का फॉर्मेशन करता है, और ये जो ग्रूव होती है किस में ओपन होती है, पेरिफेरेंजियल बैंड बैंड से। फिर ये पेरिफेरेंजियल बैंड फर्दर किस में ओपन होता है, एपीफेरेंजियल ग्रूव में ओपन हो जाता है। तो ये जो एंडोस्टाइल है इसमें क्या होता है, पेरिफेरेंजियल बैंड प्रेजेंट होता है और एपीफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, और ये एपीफेरेंजियल ग्रूव फिर फर्दर किस में ओपन हो जाता है, ईसोफेगस में। तो ये ईसोफेगस किस में ओपन होता है, फिर इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में मिड गट डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है जो पैनक्रियास के जैसे होते हैं, क्योंकि ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, लेटरल सीलेटेड ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मिड गट और हाइंड गट का जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पे इलियोकॉलिक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इलियोकॉलिक रिंग्स क्या करती हैं, जो भी खाने के बड़े पार्टिकल्स हैं उनको क्या करती है, तोड़ती हैं। फिर इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सीलिएटेड होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। और फिर रेक्टम कहाँ ओपन होता है, एनस में ओपन होता है, और एनस अपन ने कहा, अपन ने देखा था जो वेंट्रल जो फिन होता है उसके बेस पे ओपन होता है। तो ये अपन ने देखी इसके एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखते हैं। नेक्स्ट इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। इसमें दो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक तो मिड गट डाइवर्टिकुलम जो अपन ने देखा था इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इसको हिपैटिक सीकम भी बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और मिड गट के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और जाइमोजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं, अमाइलेज प्रोटीज और लाइपेज एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं। फिर मिड गट में कुछ मिड गट ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है और उनसे खाने का डाइजेशन होता है। फिर ये जो एम्फियोक्सिस होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं डायटम सेल के हुए उनको सीलियरी फीडर मैकेनिज्म से फीड करता है। अब फूड डाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले माउथ होता है, माउथ पे अपन ने क्या देखा था, ऑरल सिराई या बकल सिराई प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी बड़े फूड पार्टिकल हैं उनकी एंट्री को चेक करते हैं। फिर खाना माउथ से कहाँ आएगा, जो पानी है उसमें क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर जो है वो एंटर होगा माउथ में। फिर माउथ से कहाँ एंटर होगा, बकल कैविटी या वेस्टिब्यूल में, और वेस्टिब्यूल में अपन ने देखा था क्या प्रेजेंट होते हैं, मुलर ऑर्गन या वेल ऑर्गन होते हैं, और उनमें रिंगलिंग मूवमेंट होता है, उसकी वजह से वाटर क्या होता है, फर्दर मूव करते हैं। फिर वेलम में क्या होते हैं, एंट्रोस्ट्रोम होते हैं, एंट्रोस्ट्रोम क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, तो ये जो वेलम में एंट्रोस्ट्रोम होते हैं इनके थ्रू जो वाटर एंट्रोस्ट्रोम के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, फेरिंग्स में पहुँच जाते हैं। फिर फेरिंग्स में क्या होते हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, अपन ने देखा था एपीफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होता है और एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। तो फेरिंग्स में ये जो एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, फेरिंग्स में ये जो एंडोस्टाइल है, ये एंडोस्टाइल अपन ने देखा था, इसमें एंडोस्टाइल में क्या होता है, ग्रूव प्रेजेंट होता है, ग्रूव के साथ साथ ये सीलिएटेड होते हैं, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, और ये एंडोस्टाइल क्या करता है, म्यूकस का सीक्रेशन करता है। तो ये जो सीलिया की वजह से क्या होता है, जो खाना फेरिंग्स में पहुंचा वो उस जो फूड पहुंचा उसका मूवमेंट होता है, और ये खाना फेरिंग से यहाँ अपन ने देखा, ये फेरिंग से फिर खाना कहाँ पहुँचता है, यहाँ ईसोफेगस, ये क्या है, ईसोफेगस, तो यहाँ ईसोफेगस में पहुँचते हैं, और ईसोफेगस में यहाँ क्या होता है, ये लेटरल सीलिएटेड पैच होते हैं, लेटरल सीलिएटेड पैच होते हैं, तो खाना ईसोफेगस में पहुँचता है लेटरल सीलिएटेड पैच की वजह से। फिर यहाँ पे अपन ने देखा था क्या होता है, जब खाना इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, मिड गट डाइवर्टिकुलम होता है, ये देखिए क्या है, मिड गट डाइवर्टिकुलम होता है, और ये जो मिड गट डाइवर्टिकुलम होता है अपन ने देखा था, इसमें जाइमोजन सेल्स होती हैं मिड गट डाइवर्टिकुलम में, जो किसका सिक्रेशन करती हैं, अमाइलेज प्रोटीज और लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में ये इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाता है, फिर मिडगट में जाता है, ये रहा मिडगट, और मिडगट में अपन ने देखा था कुछ ग्लैंड सेल्स होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं, तो फर्दर जो खाना बचा हुआ है उसका डाइजेशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ मिडगट में हो जाएगा। फिर मिडगट और हाइंडगट के बीच में ये इलियोकॉलिक रिंग्स प्रेजेंट है, ये क्या है, इलियोकॉलिक रिंग प्रेजेंट है, तो ये फर्दर क्या करेगी, जो खाना है उसके बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगी। फिर खाना कहाँ पहुँच जाएगा, रेक्टम में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में पहुँच जाएगा, और एनस के थ्रू इसकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर अपन ने देखा था कि ये क्या होता है, फेरिंग्स में क्या क्या प्रेजेंट था, ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी, एंडोस्टाइल देखा था अपन ने, और एपीफेरिंजियल ग्रूव देखा था, ये क्या है, एपीफेरिंजियल ग्रूव है। और अपन ने देखा था इसका जो फेरिंग्स होते हैं उसमें जो गिल बार्स होती हैं, ये जो फेरिंग्स है इसमें क्या होती हैं, गिल बार्स होती हैं, जैसे ये है सेकेंडरी गिल बार है, और ये क्या है, प्राइमरी गिल बार है।
तो अपन ने देखा था जो प्राइमरी गिल बार होती हैं वो क्या होती हैं, बाइफर्केटेड होती हैं। ये क्या है, प्राइमरी गिल बार है और ये क्या है, बाइफर्केटेड है। ये देखिए ये क्या है, बाइफर्केटेड है, और ये सेकेंडरी जो गिल बार है वो क्या होती है, बाइफर्केटेड नहीं है। ये देखिए ये क्या है, बाइफर्केटेड नहीं है। और फिर ये अपन ने देखा था जो प्राइमरी गिल बार होती हैं वो फर्दर कनेक्ट होती है। जैसे ये प्राइमरी गिल बार, ये ऑल्टरनेट प्रेजेंट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जैसे ये प्राइमरी गिल बार है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी गिल बार ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्राइमरी गिल बार होती है, ये जो प्राइमरी गिल बार होती है वो कनेक्ट होती है। जैसे ये प्राइमरी गिल बार और ये प्राइमरी गिल बार एक दूसरे से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टिकुले। ये क्या है, सिनेप्टिकुले है जो कनेक्ट करती है प्राइमरी गिल बार्स को। फिर अपन ने देखा था क्या प्रेजेंट होता है, एपिफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होता है ये। और ये एपिफेरेंजियल ग्रूव क्या होता है, इसमें सीलिया होता है और ये बाद में फर्दर किस में ओपन हो जाता है, ईसोफेगस में ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे पेरिफेरेंजियल बैंड प्रेजेंट होता है। तो जो भी खाना आएगा वो अपन ने देखा कहाँ पहुँचेगा, एंडोस्टाइल में आया। फिर एंडोस्टाइल से क्या होता है, ये एंडोस्टाइल में ग्रूव प्रेजेंट होता है, सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से खाना इधर से होते हुए ईसोफेगस में पहुँच जाएगा। बट कुछ लार्ज फूड पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पेरिफेरेंजियल बैंड है, जो ये दिख रहा है पेरिफेरेंजियल बैंड, इसमें क्या होते हैं, सीलियरी मूवमेंट होते हैं। उसकी हेल्प से, ये सीलिया की हेल्प से ईसोफेगस में जाते हैं और जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, ईसोफेगस में पहुंच जाते हैं। और बड़े होते हैं वो, ये जो पेरिफेरेंजियल बैंड प्रेजेंट होते हैं इसमें सीलिया होते हैं, उसकी वजह से ये ईसोफेगस में जाते हैं। तो ये अपन ने देखा खाना सबसे पहले माउथ में आएगा, वहाँ ओरल सिराई होंगे जो फूड पार्टिकल को, बड़े और छोटे बड़े जो फूड पार्टिकल है उनकी एंट्री को रेजिस्ट करेंगे। फिर वेस्टिब्यूल होते हैं जहाँ पे मूलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और वेलम प्रेजेंट होता है जिसमें एंट्रोस्टोम होता है। फिर एंट्रोस्टोम के थ्रू जो वाटर फेरिंग्स में एंटर हुआ, फिर फेरिंग्स में क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती, जो फिर फर्दर गिल बार्स प्रेजेंट होती जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। फिर एपिफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होता है और उस एपिफेरेंजियल ग्रूव में क्या क्या होते हैं, सीलिया होता है, म्यूकस होता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। फिर ये जो एंडोस्टाइल में खाना जो आ जाता है उसमें फर्दर जो सीलियरी मूवमेंट होने से खाना कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ ईसोफेगस में पहुँच जाता है। फिर ईसोफेगस से फिर खाना कहाँ जाता है, मिड गट डाइवर्टिकुलम में जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तो खाने का डाइजेशन होता है, और जो बचा हुआ खाना है उसका डाइजेशन मिड गट में होता है। वहाँ पे मिड गट ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है। फिर उसके बाद में इलोकोलिक रिंग्स होती है ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, और वो क्या करती हैं, जो बड़े पार्टिकल है खाने को उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करती है। फिर रेक्टम और एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये अपन ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, फिर भी इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट होते हैं। मतलब अपन देख के उनको मेल और फीमेल को डिस्टिंग नहीं कर सकते, उनको देख के नहीं बता सकते कि ये मेल है और फीमेल है, मतलब दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और इनमें गोनाड्स होते हैं जो कि क्या कितने होते हैं, 26 पेयर होते हैं। और जो गोनाड्स होते हैं वो मीजोडर्मली ओरिजिनेट होते हैं, और इनमें गोनाड्स तो होते हैं बट गोनोडक्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और ये जो एम्फियोक्सिस होता है उसका सबसे छोटा स्पर्म होता है कॉर्डेट्स में जो सबसे छोटा स्पर्म होता है वो किसका होता है, एम्फियोक्सिस का होता है। और इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे लार्वा डेवलप होता है। और इनका जो एग होता है वो कैसा होता है, माइक्रोलेसिथल एग होता है।